प्रताप जी आप? मैं भैया के लिए सूप बना रही हूँ, आप भी पी लो ना गरम गरम। या तो मैं आपके लिए चाय बना दूँ, काफी थके हुए लग रहे हो आप। हाँ, और तुम खुशी से चहक रही हो। अरे क्यों ना मनाऊं खुशियाँ, मेरे भैया इतने बड़े हाथी से बचकर आए हैं और सुरक्षित भी है और बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। और मैं जो ये सूप बना रही हूँ ना, वो मेरे भैया की सेहत लौटाने में उनकी मदद करेगा। लेकिन पता है प्रताप जी, मेरी खुशी का असली कारण ये है कि आखिर भैया ने अक्षत और अर्पिता को लेकर बिल्कुल ठीक फैसला किया, दोनों को उनका हिस्सा दे दिया और उन्हें घर से ही नहीं जयपुर से भी दूर कर दिया। सावरी, तुम भूल रही हो कि अक्षत कभी तुम्हारा लाडला था। तुम अर्पिता से इतनी नफरत करती हो कि तुम्हारे दिल में अक्षत के लिए प्यार नहीं बचा ना? नहीं प्रताप जी, ऐसी बात नहीं है। दोष अक्षत का नहीं है, दोष सिर्फ उस अर्पिता का है। वही है असली गुनेगार, उसी ने इस घर का बेटा छीना है। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या कर सकता है? वो बेवकूफ तो उसका साथ छोड़ना ही नहीं चाहता। तो ठीक है ना, भैया ने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, तो इसमें मैं क्या करूं? सावरी, सावरी तुम बहुत कुछ कर सकती हो, कुछ अच्छा सोच सकती हो, एक पॉजिटिव कदम उठा सकती हो जिससे रिश्तों के बीच में दरार मिट जाए। लेकिन प्रताप जी, खानदान की परंपरा, घर के कायदे कानून, ये सब भी तो मायने रखता है ना। मुझे लगा कि आश्रम से छोड़कर तुम्हारे दिल में ममता जागी होगी, दूसरों के लिए अपनापन महसूस करना सीख गई होगी तुम, लेकिन नहीं, गलत था मैं। तुम अपने आप से इतना प्यार करती हो कि तुम दूसरों को क्या प्यार दोगी? सावरी, अक्षत इस घर का पहला बच्चा था जिसे तुमने अपना बेटा मानकर प्यार किया था, उसकी खुशी का ख्याल तक नहीं आया तुम्हारे दिल में, उसकी दुख उसकी तकलीफ से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सावरी, शुक्र है कि आश्रम से तुम्हें पूजा नहीं मिली, वरना तुम अपनी ही घमंड और जिद के चलते उसकी खुशियां भी छीन लेती उससे, जैसे तुमने अक्षत के साथ किया। वैसे एक और गलत काम कर रही हो तुम पूजा को माधुरी और जसन से दूर करना चाहती हो, और ये काम करने से अर्पिता तुम्हें रोक रही है, इसीलिए तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी नफरत अर्पिता के लिए और बढ़ गई है। क्यों, सही कहा ना? आपको कैसे पता? शुरू से जानता था कि तुम्हारी साजिश क्या है, इसीलिए मैंने ही अर्पिता से कहा कि वो भी ट्रस्टी बन जाए, ताकि तुम्हारा ये घटिया प्लान सफल ना हो। ठीक है प्रताप जी, आप गलत का साथ देना चाहते हो ना, तो शौक से दीजिए, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि अर्पिता का नाटक कब तक चलता है। जल्द ही वो इस शहर से बाहर होगी और तब मैं अकेली ट्रस्टी रहूंगी, और फिर अडॉप्शन के सारे मामले मेरे हाथ में रहेंगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता सावरी। बैठो, मैं ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। डोंट वरी, ये जख्म जल्द भर जाएंगे। अक्षय, ये जख्म तो जल्दी भर जाएगी अर्पिता, लेकिन डैड की बातों से जो दिल पर घाव बने वो कभी नहीं भरेगी। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, सब का क्या करूंगा? मैंने तो नहीं चाहता ना ये सब। Have patience. वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नहीं अर्पिता, वक्त इसमें क्या करेगा? ये फैसला जिंदगी भर के लिए और हमारी सजा पर ये आखिरी मोहर लग चुकी। डैड की जिंदगी में मेरा मौजूद रहना उन्हें तकलीफ देता है। वो ये सब इसीलिए कह रहे थे
ताकि मैं उनसे दूर चला जाऊं। और अब तो बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि उनकी जान पर बनाई। नहीं अर्पिता, मैं नहीं चाहता कि डैड की मुश्किलें और बढ़े, मेरी वजह से उन्हें कोई भी और तकलीफ पहुंचे। तुम्हारा कहना ये है कि क्या करूं, पापा से बात करूं या नहीं? पापा, वो अब नहीं। बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। भावना की गैर मौजूदगी में तुमने इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तुम इतनी काबिल हो गई। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो आग वाला एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में भावना को कुछ मत बताओ। काम का चिंता करें, वो जब आएंगी तब बता देंगे। बस और कुछ नहीं कहना आपको? नहीं दीदी, बहुत थक चुका हूं, आराम करना चाहता हूं। जता रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन मैं ऐसे चुप नहीं रह सकती। मुझे माँ को सब बताना ही होगा, वो ही पापा को समझाएगी कि वो जो भी कर रहे गलत कर रहे। ये माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? पापा अक्षत भैया वाले टॉपिक को लेकर बात ही नहीं कर रहे, वो तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तुमने तो उनसे इस पर कोई बात तो नहीं की ना? नहीं, उन्हें नींद आ रही थी। गुड, अब भावना आंटी आकर सब ठीक कर देगी। लेकिन रात जब उन्हें पता चलेगा तब ना, माँ फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। लिसन अवनी, आज एक दिन में बहुत कुछ हुआ है, तुम प्लीज सो जाओ। कल भावना आंटी आ रही है, मैं उन्हें पिकअप करने जाऊंगा। तुम क्या करोगे? तुम्हें मुझसे भरोसा है? खुद से ज्यादा। तो फिर कल अर्पिता और अक्षत भैया वापस तुम्हारे घर में होंगे, और ये मेरा वादा है तुमसे। बाय, गुड नाइट। भाभी, अब अपने इस छोटे देवर को आशीर्वाद भी दे दीजिए। राम तो आपके पास है ही, लक्ष्मण को भी आशीर्वाद की जरूरत है। राज, आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल था, तुम बहुत थक गई होगी, प्लीज कुछ खा लो। नहीं राज, मुझे जरा भी भूख नहीं है। लेकिन मुझे भूख लग रही है ना। तुमने कुछ नहीं खाया? तुम भी नाराज, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती। क्या बात है, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? राज, जो हो रहा है सब गलत हो रहा है।
अब हार रहे हैं राज। कितनी कोशिश की हमने कि सब ठीक हो जाए। पापा हमारा रिश्ता एक्सेप्ट कर ले, हमारा प्यार एक्सेप्ट कर ले, लेकिन नहीं। हमारी एक भूल की सजा हमें बार बार मिल रही है राज। अब ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि सब ठीक हो जाए, सब पहले जैसा हो जाए। अर्पिता, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुकेत अंकल चाहे कुछ भी बोले, वो दिल से तुम दोनों को बहुत प्यार करते हैं, एंड आई एम श्योर वो मिस भी करते होंगे। भाई हो तुम्हारा अर्पिता, अपनी बहन को ससुराल वापस भेज कर ही रहूंगा, और ये मेरा वादा है तुमसे, मेरी प्यारी सी बहन के लिए राखी गिफ्ट। कल का दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा, मुझे यकीन है। अब प्लीज ये रोना बंद करो, जाके मेरे लिए खाना ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी ले। दुनिया की सबसे बेस्ट बहन दी है मुझे भगवान ने। हाँ भैया, एक ही पीस बनाया भगवान ने और आपके पास भेज दिया। बिल्कुल सही कह रही है तू, और उसके बाद भगवान ने सांचा ही तोड़ दिया। अच्छा सुन, अब तो ये सब बंद कर और जाके एंजॉय कर, और ये भी देख लेना कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। बहुत टाइम ले रहा है सब कुछ। अच्छा भैया, इतनी जल्दी? चल जान, आप क्या कर रही थे? ये सब क्या हो रहा है चिकी? अक्षत भैया और डैड के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और किसी ने मुझे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। अबनी, मैं भी इस घर का बेटा हूँ। आपस भाई, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे जैसे ही राज का कॉल आया मैं वहाँ चली गई, राज था मेरे साथ। ओ, तो वो राज इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि तुम मुझे फोन करना भूल गई। चिकी, मेरे डैड और मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट था। आपस भैया, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अगर राज वहाँ टाइम से नहीं पहुंचता तो आपको पता है वहाँ क्या होता? पापा और अक्षत भैया गोडाउन में फंसे हुए थे, राज ने उन्हें बचा और हॉस्पिटल पहुंचाया। अब कैसे हैं पापा और अक्षत भैया? तेरी बात हुई इनसे, ठीक तो है वो? कोई ठीक नहीं है भाई। पापा ने अक्षत भैया से प्रॉपर्टी की बंटवारे की बात की, और उन्हें अब इस फैमिली से ही नहीं, इस शहर से भी जाना हो। मुझे और राज को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। उल्टा तो होना ही था, वो राज जो था वहां पर, वो राज और उसके स्टूपिड आइडियाज कभी वर्क नहीं करते। और देख लेना तू, वो हमारी फैमिली को अलग करने की कोशिश कर रहा है चिकी। मुझे तो लगता है ये सब कुछ ये जानबूझ के करता है, देख लेना तू। भाई, राज कम से कम कोशिश तो कर रहा है हमारी फैमिली को एक करने की, जबकि वो इस फैमिली का है भी नहीं, फिर भी कोशिश कर रहा है। उसे क्या लेना दे? और चाहते तो सब है कि अक्षत भर अर्पिता भाभी वापस इस फैमिली में आ जाए, लेकिन कोई कोशिश नहीं कर रहा। आपको राज की सिर्फ गलतियां नजर आती होंगी, लेकिन मुझे उसकी अच्छाइयां, उसके एफर्ट्स, उसकी सच्चाई दिखाई देती है। एंड आई एम श्योर कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। वो पता चली जाएगा चिकी कि क्या सही है और क्या गलत है। पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है राज। आई ट्रस्ट यू, एंड आई एम श्योर तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे जिससे मेरी फैमिली में खुशियां वापस आ जाएंगी। तुम्हारी हर प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है अवनी, मैं तुम्हारी फैमिली को एक साथ लाऊंगा, कल सब ठीक हो जाएगा सब। अर्पिता, ये क्या? हमने सोचा कि अक्षत की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब नाश्ता यहाँ ले आए, पर यहाँ तो। हाँ अर्पिता, ये सब पैकिंग क्यों कर रहे हो? माधुरी जी, हम शहर छोड़ के जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं हम।
क्योंकि डैड यही चाहते हैं। राज, तुम तो सब जानते हो ना? ये ठीक नहीं है। अर्पिता समझाओ अक्षत को, कैसा ना करे। अक्षत भैया प्लीज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देख लेना, वो जल्दी मान जाएंगे। उनके सीने में भी एक पिता का दिल है ना, वो आपको जाने नहीं देंगे। नहीं राज, अब मैं थक गया हूं। हमने कितनी कोशिश की डैड को मनाने की, लेकिन सब नाकामयाब। और अब डैड भी थक चुके, उनसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए अगर उनकी खुशी हमारे जाने में ही है, तो मैं उन्हें ये खुशी दूंगा। एक बेटा होने के नाते ये मेरा फर्ज है। थैंक यू सो मच। हमारे मुश्किल समय में आप लोगों ने हमारी मदद की, हमें रहने के लिए एक छत दी। थैंक यू। हम आपका ये एहसान कभी भूल नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच। अर्पिता, अब हमें चलना चाहिए। जी लाओ, जी लाओ। नहीं 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 प्रताप, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बाबूजी प्लीज, मेरी बात सुनिए। बाबूजी प्लीज, दो मिनट बैठ जाइए, शांत हो जाइए। इस तरह से परेशान होना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है बाबूजी। जो कुछ हो रहा है वो भी कोई अच्छा नहीं हो रहा प्रताप। क्या अच्छा नहीं हो रहा बाबूजी? जब तुम्हारे बच्चे तुमसे ये एक्सपेक्ट करें कि तुम आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लोगे, और जवाब में तुम उसे जायदाद देकर दूर भेज देते हो। अरे ये तुम क्यों कर रहे हो भाई, क्या हो गया है तुम्हें? बाबूजी जो मेरे बस में था मैंने किया, अब अक्षत को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। बस बस सुकेत, तुम्हारी जुबान कुछ और कह रही है और तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। बाबूजी प्लीज, आप सुकेत भैया के फैसले पर सवाल मत उठाइए। जक्की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरा, जब जब कोई मुश्किल का वक्त आया है ना, सुकेत भैया का फैसला हमेशा सही साबित हुआ है। और फिर बाबूजी, जब जरूरत पड़े तो कठोर तो बनना पड़ता है ना। बस करो सावरी, बस करो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आगे सुकेत की मर्जी। बाबूजी ये बात क्यों नहीं समझते? खंडेलवाल परिवार की एक मर्यादा, इसके कुछ नीति है, नियम, और अगर मैंने इस परंपरा को टूटने दिया तो इस घर का नाम सम्मान सब मिट्टी में मिल जाए, और मैं लव मैरिज कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कभी। भैया भैया, आज आप ऑफिस मत जाओ, आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है, इसलिए मैंने शास्त्री जी से कह के माँ के नाम की पिंड पूजा रखवाई है। शास्त्री जी बस आते ही होंगे। बेटा, पूजा के लिए तुलसी पत्र लेकर आओगे? जी। शास्त्री जी, पूजा अच्छे से होनी चाहिए, इस घर में शांति की बहुत जरूरत है। शास्त्री जी, कभी कभी पूजा या हवन से खुशी नहीं मिलती, कभी कभी हवन के मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं होती जितना किसी को माफ कर देने पे या एक्सेप्ट करने में होती। ऐसा करने से घर में कभी शांति की कमी नहीं होती। अवनी, ज्यादा भाषण मत दे और जा, जाके पूजा के लिए तुलसी के पत्ते लेके जा। अवनी, घर में सब ठीक तो है? हवन है, बुआ सा ने घर में घर की सुख शांति और खुशी के लिए रखा है। और वह अर्पिता और अक्षत भैया शहर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए, क्योंकि सुकेत से ऐसा चाहते हैं। क्या? हाँ अवनी, उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन वो दोनों माने ही नहीं। वो दोनों मुंबई जा रहे हैं। बस बहुत हो गया, मैं सबको बता के रहूंगी। अवनी, कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन राज, हम कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह सकते हैं?
पहले उन्हें इस घर से जाने के लिए कहा और अब उन्हें जयपुर से जाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, हम उन्हें जाने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे? अपनी तुम अपना ध्यान पूजा और हवन में लगा, और मैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं दिल से दुआ करूंगी राज कि तुम जो भी करो उसमें तुम्हें जरूर कामयाबी मिले।